नमस्कार, मेरा नाम भारती पंडित है और मैं यहाँ भोपाल की निवासी हूँ। अजीत प्रेम जी फाउंडेशन में टीचर्स ट्रेनिंग का काम करती हूँ। कविताएं, कहानियाँ लिखना, आर्टिकल्स लिखना, संगीत आदि मेरा शौक है। तो आज मैं आपके सामने अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत करूँगी। मेरे लिखने का मूल जो विषय रहते हैं वो स्त्री विमर्श है या कहीं जेंडर विमर्श पर रहते हैं। और मैं अपने आप को फेमिनिस्ट कहती हूँ, यानी किसी भी तरह की सत्ता का विरोध करना, चाहे वो किसी भी जेंडर के द्वारा हो। तो उसी पर सारा लेखन मेरा आधारित रहता है। तो पहली कविता जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, उसका शीर्षक है वह और मैं। उसे पसंद ना था मुस्कुराना हर वक्त मेरा, उसे पसंद ना था मुस्कुराना हर वक्त मेरा, मैंने खिलखिलाना सीख लिया। वह कहता था चला करो सलीके से, वह कहता था चला करो सलीके से, मैंने दौड़ लगाना सीख लिया। उसे पसंद ना था जवाब देना मेरा, मैंने सवाल उठाना सीख लिया। वह कहता था मेरी ही रहो, मैंने दोस्त बनाना सीख लिया। उसे पसंद ना था गुनगुनाना मेरा, मैंने फाग गाना सीख लिया। वह कहता था धरती पर रहो, मैंने आकाश मापना सीख लिया। वह कहता था धरती पर रहो, मैंने आकाश नापना सीख लिया। अगली कविता जो है वो मेरी बहुत पसंदीदा कविता है। उसी शीर्षक से मेरी एक पुस्तक भी है, सी बीच और अकेली लड़की। तो वो शीर्षक कविता मैं पढ़ रही हूँ, सी बीच और अकेली लड़की। सी बीच पर एक अकेली लड़की, सी बीच पर एक अकेली लड़की, बेपरवाह खिलखिलाती, लहरों से अठखेलियां करती, लहरों संग दूर तक चली जाती। मदमस्त लहर आते ही भागकर किनारे आती। सी बीच पर एक अकेली लड़की, अपने आप से बतियाती, मुग्ध मुस्कान लिए सेल्फी लेती, शंख सीपियां बटोरती, रेत पुलिसती पानी उछालती। सी बीच पर एक अकेली लड़की, हर क्षण को जी भर जीती। उसका अकेलापन अचानक बन गया है केंद्र हर एक के आकर्षण का। टिक गई है नजरे गई उसकी उन्मुक्तता पर, और साथ आ टिके हैं ढेरों सवाल। अकेली क्यों है वह, इतना पारदर्शी क्यों पहना है, टांगे खुली क्यों है, इतना हस्ती क्यों है, इतनी उन्मुक्त क्यों है, इतनी खुश कैसे है। तभी सी बीच पर वह अकेली लड़की उछाल देती है जाती लहर के साथ दुनिया की लानतों को, और आती नई लहर के साथ जी भर हस्ती खिलखिलाती है। सी बीच पर वह अकेली लड़की दुनिया को ठेंगा दिखाते हुए, सी बीच पर वह अकेली लड़की दुनिया को रखती है ठेंगे पर और फूंक में उड़ा देती है। अगली कविता है कुछ हिपोक्रेसी को लेके, तो जो एक तंज है एक तरीके का, वो आप समझ जाएंगे जब सुनेंगे इसे। इसका शीर्षक है अच्छी लगती है। अच्छी लगती है हस्ती खिलखिलाती ठहाके लगाती स्त्रियां, अच्छी लगती है हस्ती खिलखिलाती ठहाके लगाती स्त्रियां, मन को भाती है ठाट से मंडराती मोटरसाइकिल चलाती स्त्रियां, राहत देती है आगे बढ़ती पुरुषों को पछाड़ती स्त्रियां, रास आती है धुएं के छल्ले उड़ाती उन्मुक्त स्वच्छंद स्त्रियां, खूब सुहाती है अल्ट्रा मॉडर्न कहती फैशनेबल स्त्रियां, खूब सुहाती है अल्ट्रा मॉडर्न कहलाती फैशनेबल स्त्रियां, जी को लुभाती है हाथ मिलाती गिलास टकराती स्त्रियां, जी को लुभाती है हाथ मिलाती गिलास टकराती स्त्रियां। शर्तें लागू हैं कि वो स्त्रियां हमारे घरों की ना हो, शर्तें लागू हैं कि वो स्त्रियां हमारे घरों की ना हो। एक और कविता है जो काफी पहले लिखी गई थी, सड़क और लड़कियां, इसको लेके कुछ लिखने की कोशिश की है कि सड़कों की खाक छानना हम लड़कियों के लिए उतना आसान नहीं होता, इतना सहज भी नहीं समझा जाता है कि लड़कियां अकेली सड़क पे घूम रही है या वहां खड़ी है चौराहे पर, तो बड़ा अजीब है। तो उसी को लेके, सड़क की खाक छानना, सड़क नापना जैसे जुमले क्या बने होंगे उन लड़कियों के लिए, सड़क की खाक छानना, सड़क नापना जैसे जुमले क्या बने होंगे उन लड़कियों के लिए
जिनके लिए सड़कें बस हुआ करती है डर का बियाबा, जिनके लिए सड़कें बस हुआ करती है डर का बियाबा, जिन पर चलना है उन्हें नजर झुकाए से झुकाए तेज तेज कदमों से, जिन पर चलना है उन्हें नजर झुकाए से झुकाए तेज तेज कदमों से, बचते बचाते लोगों के फिक्रों से, काली नियत तीखी नजरों से, या उन लड़कियों के लिए जिनके लिए सड़कें होती है खौफ का मंजर, या उन लड़कियों के लिए जिनके लिए सड़कें होती है खौफ का मंजर, जिसके किसी किनारे डाल दिया जाता है कोई नन्हा सा शरीर, जिन सड़कों के किनारे डाल दिया जाता है कोई नन्हा सा शरीर जानवरों के खसोटने को, या इसी सड़क के किनारे कभी फेंक दिया जाता है एक जनाना जिस्म अधभरा करके, इसी सड़क के किनारे कभी फेंक दिया जाता है एक जनाना जिस्म अधभरा करके, या बिठा दिया जाता है किसी कच्ची उम्र को अनगिनत मर्दाने हाथों का खिलौना बनाकर, या बिठा दिया जाता है किसी कच्ची उम्र को अनगिनत मर्दाने हाथों का खिलौना बनाकर इसी सड़क के किनारे पर। काश कि लड़कियों ने कभी मापी होती सड़कें, काश कि लड़कियों ने कभी मापी होती सड़कें या छानी होती खाक इन रास्तों की, काश कि लड़कियों ने कभी मापी होती सड़कें या खानी होती छाक इन रास्त छानी होती खाक इन रास्तों की, तो ना बनती खौफ का मंजर आज ये सड़कें लड़कियों के लिए, तो ना बनती खौफ का मंजर आज ये सड़कें लड़कियों के लिए। अगली कविता है, इसको मैं पढ़ चुकी हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि हमेशा इसे पढ़ा जाना चाहिए। तो हम औरतें जो सुनते आए हैं, प्रेम करते हैं प्रेम करते हैं, तो उससे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन किस कॉस्ट पर प्रेम होता है ये? तो क्या हम जो करते आ रहे हैं वो सब नहीं करेंगे, तब भी प्रेम होगा क्या हमसे? तो इसी को लेके ये कविता है, शीर्षक है प्यार करते हो। अक्सर कहते हो तुम कि प्यार करते हो मुझसे, अक्सर कहते हो तुम कि प्यार करते हो मुझसे, ऐसा वैसा प्यार नहीं बेइंतहा प्यार है तुम्हें मुझसे, ऐसा वैसा प्यार नहीं बेइंतहा प्यार है तुम्हें मुझसे, बस एक छोटा सा सवाल मेरा कि क्यों प्यार करते हो तुम मुझे, बस एक छोटा सा सवाल मेरा कि क्यों प्यार करते हो तुम मुझे, क्या इसलिए कि मैं सजती सवरती हूँ तुम्हारे लिए, साफ सुथरा रखती हूँ वो घर जो तुम्हारा है सिर्फ तुम्हारा, नेम प्लेट भी तो मेरी नहीं है उस पर, ख्याल रखती हूँ तुम्हारी जरूरतों का, दौड़ी चली आती हूँ तुम्हारी एक आवाज पर छोड़कर अपने सारे काम, या इसलिए कि बेहतरी से संभालती हूँ घर और बाहर को, रखती हूँ व्रत तुम्हारी लंबी उम्र के लिए, ना थकती हूँ ना उफ करती हूँ, ना थकती हूँ ना उफ करती हूँ, घड़ी की सुइयों पर टिकी बस भागती रहती हूँ, ना थकती हूँ ना उफ करती हूँ, घड़ी की सुइयों पर टिकी बस भागती रहती हूँ, या शायद इसलिए कि पूरी करती हूँ तुम्हारी हर जायज नाजायज मांग को, या शायद इसलिए कि पूरी करती हूँ तुम्हारी हर जायज नाजायज मांग को, चाहे मेरा मन हो या ना हो, कभी ना नहीं कहती, पर क्या तब भी प्यार करते मुझसे तुम, पर क्या तब भी प्यार करते मुझसे तुम यदि यह सब मैं ना करती, क्या तब भी प्यार करते मुझसे तुम यदि यह सब मैं ना करती, बलपूर्वक कहती अपनी बात कि नापसंद है मुझे अपनी इच्छा के खिलाफ जीना, बलपूर्वक कहती अपनी बात कि नापसंद है मुझे अपनी इच्छा के खिलाफ जीना, नापसंद है मुझे लपेटना अपने आप को एक खोल में ताकि मेरा मैं विलीन हो जाए कहीं, क्या तब भी करते प्यार जब मैं करती अपने अधिकार की मांग, क्या तब भी करते प्यार जब मैं करती अपने अधिकार की मांग, बराबरी के अधिकार की मांग, इनकार करती शासित होने से, इनकार करती शासित होने से, कहती कि अच्छा नहीं लगता मुझे यूं बेवजह सजना संवरना, कहती कि व्रत उपवास से पित्त बढ़ जाता है मेरा, कहती कि व्रत उपवास से पित्त बढ़ जाता है मेरा, इनकार करती अपनी इच्छा के खिलाफ भोगे जाने से तुम्हारी शैया पर, इनकार करती अपनी इच्छा के खिलाफ भोगे जाने से तुम्हारी शैया पर, बस एक बार सोचो
यदि यह सब मैं करती, यदि यह सब मैं करती और मैं मांग करती अपने आप को इंसान समझने की, तो क्या तब भी प्यार करते मुझसे इसी तरह बेइंतहा बेसबब? क्या तब भी प्यार करते मुझसे इसी तरह बेइंतहा बेसबब? अगली कविता थोड़ी बोल्ड कविता है। हाँ, बोल्ड मतलब शायद ऐसा लगे, क्योंकि स्त्रियों को ऑब्जेक्टिफाई करना है ना, उनको एक वस्तु समझना या उनको सौंदर्यता का एक प्रारूप बना देना, सुंदरता का प्रतिमान के रूप में देखना, बाजार ने भी खूब किया है और समाज ने भी उसी को आत्मसात किया है। तो उसी के ऊपर एक कविता है, उतार चढ़ाव। तुम तो नापते रह गए आजीवन मेरा भूगोल, मेरे शरीर को नापते रह गए। तुम तो नापते रह गए आजीवन मेरा भूगोल, कितने पर्वत, कितने पठार, कितने सागर और कितने मैदान। तुम तो नापते रह गए आजीवन मेरा भूगोल, कितने पर्वत, कितने पठार, कितने सागर और कितने मैदान। फिर आ गए ज्यामिति पर मेरी, फिर आ गए ज्यामिति पर मेरी, कितने वृत्त, कितने कोण, समबाहु कहाँ, परिमाप कहाँ। सरस था उतना ही इतिहास भी मेरा, सरस था उतना ही इतिहास भी मेरा। कहाँ जन्मी, कैसे रही, किसके संग बैठी, कौन संग सोई। रसायन भी कम न था महत्व में, रसायन भी कम न था महत्व में। हला हार्मोन किस घड़ी आता, कितना उत्साह, कितना आवेग। हला हार्मोन किस घड़ी आता, कितना उत्साह, कितना आवेग। कैसे मगर भूल गए तुम मेरा मनोविज्ञान पढ़ना, कैसे मगर भूल गए तुम मेरा मनोविज्ञान पढ़ना, मेरे मन की थाह लेना। मैं हूं कौन यह समझना, मैं हूं कौन यह समझना। हे मेरे शरीर के शासक, हे मेरे शरीर के शासक, काबिज रहे शरीर पर ताउम्र तुम। हे मेरे शरीर के शासक, काबिज रहे शरीर पर ताउम्र तुम, पर दूर होते गए मन से शनै ही शनै ही, पर दूर होते गए मन से शनै ही शनै। एक कविता जो मुझे बहुत पसंद है, और एक मेरा सपना है कि हमेशा सारी लड़कियां स्कूल जाए, सारी लड़कियां शिक्षा की तरफ बढ़े। एक छोटी सी कविता है, टाइटल है स्कूल जाती लड़कियां। चमकती आंखों में सुनहरे सपने सजाती, चमकती आंखों में सुनहरे सपने सजाती, अच्छी लगती है स्कूल जाती लड़कियां। मजबूत हाथों में बस्तों को झुलाती, मजबूत हाथों में बस्तों को झुलाती, अच्छी लगती है स्कूल जाती लड़कियां। लांग कर दहलीज हस्ती खिलखिलाती, लांग कर दहलीज हस्ती खिलखिलाती, अच्छी लगती है स्कूल जाती लड़कियां। हर जिम्मेदारी को जी भर निभाती, हर जिम्मेदारी को जी भर निभाती, अच्छी लगती है स्कूल जाती लड़कियां। जीवन की गुत्थियों को खोलती सुलझाती, जीवन की गुत्थियों को खोलती सुलझाती, अच्छी लगती है स्कूल जाती लड़कियां। एक कविता जो मुझे लगता है कि पढ़ी जानी चाहिए हमेशा, क्योंकि हम जब भी स्त्री विमर्श की बात करते हैं, किसी भी तरह की बात करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि जेंडर का मायना केवल स्त्री के साथ नहीं होता है, यह दोनों ही जेंडर्स के साथ उतना ही सटीक होना चाहिए। यानी इसका अर्थ है सत्ता का विरोध करना। तो सत्ता का विरोध करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे मामलों में ये भी हम देखते हैं कि महिलाएं भी शासक हैं, पुरुष भी शासित होते हैं। तो मुझे कई बार ये लगता है कि कुछ चीजें उन पर भी गौर की जानी चाहिए और ये सोचा जाना चाहिए कि अगर हमें इक्वेलिटी चाहिए, इक्विटी चाहिए, तो फिर दोनों को ही समान रूप से देखना पड़ेगा। और मुझे ये हमेशा लगता है कि इसके लिए प्रेम जो है वो बहुत जरूरी है सिखाना।
तो चाहे लड़कियां हो या लड़के हो, तो वही एक अच्छी सी कविता जो मुझे पसंद है, सिखा सको तो, सिखा सको यदि तो प्रेम करना सिखाओ, सिखा सको यदि तो प्रेम करना सिखाओ, सिखाओ कि विश्वास कैसे किया जाता है, सिखाओ कि विश्वास कैसे किया जाता है, बताओ कि समर्पण होता क्या है, आंसुओं को पोंछ मुस्कान देना सिखाओ, साथी की खुशी के लिए झुक जाना सिखाओ, परवाह करना सिखाओ, सम्मान देना सिखाओ, सिखाओ कि बराबरी क्या होती है, रिश्तों में जीवन लाना सिखाओ, प्यार में निखरना सिखाओ, रिश्ते में जीवन लाना सिखाओ, प्यार में निखरना सिखाओ, प्यार में किसी का हो जाना सिखाओ, यदि सिखा सको तो प्यार में जीना सिखाओ सबको, यदि सिखा सको तो प्यार में जीना सिखाओ। तो धन्यवाद, ये कुछ कविताएं थी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की, आशा है आपको मेरी कविताएं पसंद आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।